हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। रिसेंटली मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं रिलेटेड टू अल्ट्रासाउंड थेरेपी। आज के वीडियो में मैं आपको बस बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। तो आपको बताना है कि थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड क्या होता है। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या होता है थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन। अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, और फिर रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेशन आप इस आंसर में दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर कॉपलिंग मीडियम्स। कॉपलिंग मीडियम्स आपको पता है वो लिक्विड या जेल होते हैं जो मिनिमम एकॉस्टिक इम्पीडेंस होता है जिसमें, और इसकी वजह से वो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी। तो उसके बारे में आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपलिंग मीडियम इन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इफेक्ट्स डज अल्ट्रासाउंड एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी टिश्यू। तो आप इसमें नॉन थर्मल इफेक्ट्स या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, थर्मल इफेक्ट्स, इनके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन के बारे में भी एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको अपने आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा कि आप सारे नॉन थर्मल और थर्मल इफेक्ट्स को समराइज करके उसमें लिखें। अल्ट्रासाउंड मोड्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन एंड हाउ डू दे डिफर इन कैरेक्टर। तो इसमें आपको पल्स और कंटिन्यूस मोड के बारे में मेंशन करना होगा। मार्क स्पेस रेशियो के रेलेवेंस के बारे में भी एक क्वेश्चन हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि मार्क स्पेस रेशियो क्या होता है, तो आप इस बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इसके आंसर में। अल्ट्रासाउंड में एटेन्यूएशन का क्या मतलब होता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी के इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी पे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए इसी तरीके से फिजियोथेरेपी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।